नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजाब हमले से पीड़ित बिहार की बेटियों ने दिखाया अपना जज्बा। अब बिहार में स्कूल बसों पर कसी जाएगी नकेल। विकास वैभव के विवाद पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। रोहित जडेजा और अक्षर का चला बल्ला, भारत ने बनाई 144 रनों की बढ़त। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BECIL ने 200 से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, जूनियर रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन के कुल 206 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा पद के ग्रेड के अनुसार है। अलग अलग पद के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग अलग है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता भी पदानुसार है, जिसे अभ्यर्थी आधिकारिक साइट में देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 24 फरवरी 2023 तक है। इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट BECIL.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी अड़सठवीं परीक्षा के समय ये साथ रखना जरूरी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी अड़सठवीं की परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित की गई है, जिसमें राज्य के कुल 4.34 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। लेकिन इस दौरान परीक्षार्थियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बता दें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर ले जाना बेहद जरूरी है। आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों ने जिस समय अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसे फोटो की ओरिजिनल कॉपी लेकर ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके परीक्षार्थियों को अपना पहचान पत्र भी साथ लेकर जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को एक घंटा पहले पहुंचना होगा, क्योंकि परीक्षा शुरू होने के एक घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं अगर किसी अभ्यर्थी को कदाचार में पकड़ा जाता है, तो उसे परीक्षा से 5 साल के लिए दूर कर दिया जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे आचार्य रामालोचन सरन के बारे में। आचार्य रामालोचन सरन का जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। यह एक हिंदी साहित्यकार, व्याकरणविद और प्रकाशक थे। उन्होंने 1915 में पुस्तक भंडार प्रकाशन की स्थापना लेहरी आश्रय और पटना में की। उन्होंने बालक पत्रिका, हिमालय पत्रिका, होनहार पत्रिका को भी प्रकाशित किया। उन्होंने नए लेखकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मनोहर पोथी छापी, जिससे नौसिखियों को हिंदी सिखाया जा सके। वह सबसे पहले मैथिली लिपि में मैथिली पुस्तकों की छपाई शुरू करने वाले थे। ख्यात अंग्रेजी दैनिक इंडियन नेशन ने अपने संपादकीय में लिखा, यदि रामलोचन सरन का जन्म बिहार में नहीं होता, तो हिंदी साहित्य की प्रगति में 1 या 2 दशक की देरी हो जाती। मदरसा की छात्रा के नशा विरोधी गीत से खुश दिखे सीएम नीतीश। मदरसा की छात्रा के नशा विरोधी गीत से खुश दिखे सीएम नीतीश। कुछ दिनों पहले ही बिहार में शराबबंदी के ऊपर गीत गाने को लेकर एक बच्ची खूब वायरल हुई थी। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपनी समाधान यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत मदरसों के बच्चों के द्वारा ढोल बजाकर किया गया, और साथ ही उनके स्वागत में वहां की एक छात्रा के द्वारा नशा के खिलाफ लोक गीत गाया गया, जिसे सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश नजर आए। इसके साथ ही इस दौरान मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया और साथ ही समाहरणालय में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग बाढ़ से निजात पाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। तेजाब हमले से पीड़ित बिहार की बेटियों ने दिखाया अपना जज्बा। हमने आसपास अक्सर सुना होगा कि तेजाब हमले का शिकार होने के कारण कई बेटियां हार मान जाती है और यह सोच लेती है कि अब उनके जीवन से सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन बिहार की कुछ बेटियां ऐसी हैं जो इस हमले से पीड़ित होने के बाद आज अपना जीवन वैसे ही जी रही हैं जैसे बाकी लोग जीते हैं। बता दें कि बिहार में तेजाब हमले का सामना करने वाली लड़कियां केवल 1-2 नहीं, बल्कि इनकी संख्या 567 है, जिन्होंने बीते 2 वर्षों में अपने इरादे को मजबूत बनाकर स्कूल में एडमिशन लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में तेजाब हमले में शिकार हुए लोगों को भी दिव्यांग कोटी में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद राज्य भर से तेजाब हमला से पीड़ित बच्चियों का स्कूलों में नामांकन लेना शुरू हो गया और आज यह संख्या 567 हो गई है। हम कह सकते हैं कि बिहार की ये बेटियां हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।
अब बिहार में स्कूल बसों पर कसी जाएगी नकेल। परिवहन विभाग के द्वारा राज्य भर के स्कूल के बसों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक खास अभियान के तहत अलग अलग जोन में अधिकारियों की 5 टीमों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो स्कूली बसों में मौजूद पैनिक बटन सहित 18 सुरक्षा मानकों की जाँच करेंगे। वही अगर जाँच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी बस मालिक के द्वारा मानकों को अनदेखी किया गया है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही इस विशेष अभियान के तहत यह भी देखा जाएगा कि स्कूल वाहनों पर स्कूल का नाम, पता, संपर्क नंबर अंकित है या नहीं, किस स्कूल की कितनी बसें चल रही है, गाड़ी नंबर, वाहन स्वामित्व, फिटनेस वैधता स्थिति, बीमा वैध है या नहीं, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, जीपीएस के साथ पैनिक बटन की जानकारी अंकित है या नहीं, वाहन का रंग पीला है या नहीं, ऑन स्कूल ड्यूटी का बोर्ड लगा है या नहीं, स्पीड गवर्नर लगा है या नहीं, प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार है या नहीं, इन सभी चीजों की जाँच की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जलप्पा स्थान के बारे में। जलप्पा स्थान लखीसराय का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आपको जलप्पा माता के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह मंदिर प्राचीन है। यहाँ पर मंगलवार को बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर जो कोई भी अपनी मनोकामना मांगेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पर हर सोमवार को आते हैं। जलप्पा मंदिर लखीसराय में चानन गाँव के पास स्थित है। मंदिर के आसपास प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको पहाड़ी का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। मंदिर में सभी देवी देवताओं को दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ आकर अच्छा लगता है। आप लखीसराय घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। विकास वैभव के विवाद पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। इन दिनों डीजी शोभा अहोतकर और विकास वैभव के बीच हुए विवाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं अब इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि विकास वैभव ने जो किया है वह बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या थी तो उन्हें अपने विभाग या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को अपनी समस्या के बारे में अवगत कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर ट्वीट कर दिया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये सब ठीक नहीं है, मगर फिर भी जो है क्योंकि अगर वे सरकारी अधिकारी है तो यह सब काम करना ठीक नहीं है। अधिकारी का काम ट्वीट करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारी को किसी भी चीज को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। निर्माणाधीन NH-83 के मसौरी पुनपुन जंक्शन पर बनेगा 2 अंडरपास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा पत्र के माध्यम से राजधानी पटना से गया डोभी निर्माणाधीन NH-83 के मसौरी पुनपुन सेक्शन के पास अकोना मोड़ और ग्राम जडुमरी के पास अंडरपास के निर्माण को लेकर सांसद रामकृपाल यादव को सहमति देते हुए इसकी जानकारी दे दी गई है। दरअसल रामकृपाल यादव के द्वारा इन दोनों अंडरपासों के निर्माणों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अनुरोध किया गया था और मांग पत्र सौंपा गया था, जिसके बाद अब उन्हें नितिन गडकरी के द्वारा पत्र के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि अंडर पास के निर्माण होने से सैकड़ों किसानों को उस पार जाने में कृषि कार्य करने हेतु प्रयोग में आने वाली मार्ग को मदद मिलेगा। युवक का इंडियन टैलेंट शो के लिए हुआ चयन। बिहार के गया के एक युवक का चयन इंडियन टैलेंट शो में फर्स्ट सिलेक्शन के तौर पर रैपर सिंगर के रूप में हुआ है, जो आने वाले दिनों में टीवी पर दिखाया जाएगा। बता दें कि इस युवक का नाम प्रिंस कुमार नवीन उर्फ अकारी रैपर है और फिलहाल वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके चयन को लेकर उनके परिवार और आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं इनके परिवार के लोगों का कहना है कि यह काफी आगे तक जाएगा और म्यूजिक दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगा। परिवार वालों का कहना है कि यह एक अच्छा डांसर भी है और साथ ही अच्छा लिखता भी है और गाता भी है। वहीं अकारी रैपर के द्वारा उन्होंने इन सभी चीजों का श्रेय अपने पिता को दिया है। गन्ना की एंट्री के लिए बन रही प्रगणकों की आईडी। बिहार में जाति गन्ना का पहला चरण खत्म हो गया है और अब पहले चरण में की गई मकानों की नंबरिंग और परिवारों के सदस्यों की गन्ना की सूची को तैयार करने के लिए प्रगणकों की आईडी तैयार करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि प्रगणकों के द्वारा जो सूची तैयार की जाएगी उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गन्ना की सूची को 20 फरवरी तक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर चार्ज पदाधिकारी के द्वारा मकान सूची से मिलान कराया जाएगा, ताकि यह ज्ञात हो सके कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा सूची के अनुसार ही आंकड़ा पोर्टल पर भरा गया हो। बता दें कि पहले चरण के आंकड़े को मोबाइल ऐप पर भी डाला जाएगा, ताकि इसके आधार पर दूसरा चरण का काम पूरा किया जा सके।
गांव में लगे खंभों पर जल रहे बल्ब का शुल्क देगा मुखिया। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक राजेश्वर अरविंद कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के गांवों में बिजली के कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि गांवों में खंभों पर जो बल्ब लगाए जाते हैं उसका शुल्क पंचायती राज विभाग से वसूला जाए। यानी कि अब वैसे सभी बल्ब जो खंभों पर जलाए जाते हैं उसका बिजली भुगतान प्रत्येक पंचायत के मुखिया के द्वारा किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि गांव में लगाए जाने वाले कैंप में एक पदाधिकारी को मौजूद रहना सुनिश्चित कर दिया गया है। इसके साथ ही कैंप आयोजन को लेकर सभी जगहों पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हालांकि अब तक कैंप लगाने को लेकर तिथि निर्धारित नहीं की गई है। बिहार में मौसम का बदला मिजाज। देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग पटना केंद्र के मुताबिक सुबह के समय आसमान डस्टी और हवा में नमी के बावजूद शाम के समय बारिश की संभावना न के बराबर है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में कमी की आशंका जताई गई है। आगामी दो दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक तापमान में आंशिक बढ़ोतरी जारी है। पछुआ हवा की वजह से आगामी कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के अधिकांश जिलों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। वकीलों के अभाव में लाखों केसों की सालों से नहीं हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के ACJ जस्टिस श्री एस सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य के निचली अदालतों में सालों और दशकों से लंबित अपराधी मुकदमों में मामलों को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को नेशनल जुडिशियल ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उपलब्ध आंकड़े को मूल रिकॉर्ड से जांच करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कौशिक रंजन की अधिवक्ता सभा सन्हा के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि नेशनल जुडिशियल ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 67,000 लंबित आपराधिक मामले ऐसे हैं जिनमें पार्टियां कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं और लगभग 7,00,000 केस ऐसे हैं जो वकीलों के अभाव में लंबित है। भारत को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कही ये बात। बीते दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में कुप्पा घाट के महर्षि में ही परमहंस महाराज के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अधूरे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने की भारत के पास आध्यात्मिक ताकत है। यही कारण है कि जब से दुनिया की पहचान भारत से हुई है तब से सारे चिंतक का यही कहना है कि हमारा प्रारंभ तो हमने पश्चिमी विचार से किया लेकिन भारतीय विचार सर्वोपरि है। बता दें कि उनके आगमन को कर उनकी सुरक्षा में Z+ की सुरक्षा दी गई है, जिनमें उनके आसपास सुरक्षा के लिए कुल 300 जवानों का दस्ता मुस्तैद है और साथ ही पूरे इलाके की निगरानी के लिए 67 कैमरे भी लगाए गए हैं। 19-20 फरवरी के बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 19 और 20 फरवरी को एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिस पर उनका कहना है कि उन्होंने यह बैठक केवल जेडीयू पार्टी को मजबूत करने के लिए रखा है। बैठक को लेकर जेडीयू के लिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्णिया में महागठबंधन के द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली में खुद को शामिल करने को लेकर कहा कि जरूरी नहीं है कि उसमें पार्टी के सभी लोग शामिल हो, हमारी पार्टी का कोई सदस्य तो वहां जरूर होगा और महागठबंधन जो ये रैली कर रही है वह बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव में तो इस तरह की रैलियां पार्टी की ओर से खुद को मजबूत बनाने के लिए आयोजित की ही जाती है। इसके अलावा उन्होंने अफसरों के द्वारा काली गलौज करने वाले मामले को लेकर कहा कि यह बिल्कुल गलत है कि कोई बड़ा अफसर अपने से छोटे अफसर के ऊपर गाली गलौज करे। इस पर नीतीश कुमार को जांच जरूर करवानी चाहिए, सभी चीजें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा गया है कि हमारा उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई बैर नहीं है, जब वह हमारे साथ आए थे तो हमने उन्हें सम्मान दिया था और अब उनकी राय है कि वह क्या बोलते हैं हमारे बारे में। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जनता मालिक है और जनता हमारे साथ है, जो जनता चाहेगी वही होगा। इसके साथ ही उन्होंने 25 फरवरी महागठबंधन की रैली को लेकर कहा कि हमने मुख्यमंत्री के साथ यहां रैली करने का निर्णय तभी कर लिया था जब अमित शाह यहां आए थे, हम लोग वहां महागठबंधन की 7 दलों के साथ आम सभा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से एक इंटरनल सर्वे कराया गया था जिसमें यह रिपोर्ट आई है कि 40 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी को हार मिलने वाली है और साथ ही 3 सीटें ऐसी हैं जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपस में भिड़ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजधानी पटना में जमकर मारपीट हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट करने लगे। बता दें कि पटना सिटी में स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब के पास मारपीट की यह घटना हुई। मालूम हो कि आज का दिन भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण का आखिरी दिन है। यात्रा के दौरान पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब को कांग्रेस के बड़े नेता के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्री पहुंचे थे, जहां कांग्रेस आपस में ही मत्था टेक
देखने को लेकर आपस में ही धक्का मुक्की करने लग गए और देखते ही देखते हाथापाई भी शुरू हो गई, जिसके कारण बात आगे बढ़ गई और मौजूदा कांग्रेस नेता को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर चिराग पासवान का तंज। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के द्वारा बीते दिन जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि यह यात्रा नीतीश कुमार का महज एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि बिहार अपराध और समस्याओं के मकर जाल में उलझा है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान उसके समाधान की तरफ नहीं है। प्रदेश जातीय हिंसा में जल रहा है। उन्होंने कहा कि छपरा, आड़ा और मधुबनी की घटना में पीड़ित परिवार का समाधान मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते हैं। यहाँ के किसानों के समक्ष खाद और बीज की समस्या है और बिहार के लिए बेरोजगारी और पलायन कोर बन चुका है। उन्होंने कहा कि डील पर बनी सरकार कभी टिकाऊ नहीं होती। रोहित जडेजा और अक्षर का चला बल्ला, भारत ने बनाई 144 रनों की बढ़त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला जा रहा है। पहली पारी के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई की टीम ने 177 रन पर ही सिमट गई। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम ने दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक 7 विकेट खोकर 321 रन बनाए हैं। भारत की टीम ने अब तक 144 रन की बढ़त बना ली है। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने 212 गेंद में 120 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल है। नाइट वॉच मैच के रूप में बल्लेबाजी करने आए आर अश्विन 22 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं चेतेश्वर पुजारा 7, विराट कोहली 12, सूर्य कुमार यादव 9 के एस भारत 8 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन चले गए। लेकिन रविंद्र जडेजा 66 रन और अक्षर पटेल 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट डेब्यू कर रहे मर्फी ने 5 विकेट अपने नाम किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। महात्मा गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन 1933 में शुरू हुआ था। भारत में 1955 में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। भारतीय क्रिकेटर विनू माकंड ने 1959 में अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन 1966 में हुआ। लेखक, जनसंघ संस्थापक, पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या 1968 में की गई थी। भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत वी नालेडकर 1996 के यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से 1997 में सम्मानित हुए। 1750 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी का जन्म हुआ था। 1901 में भारतीय क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म हुआ था। 1917 में भारतीय क्रांतिकारी टी नागी रेड्डी का जन्म हुआ था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे वोटर आईडी और आधार कार्ड के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वोटर आईडी और आधार के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि चुनाव कानून विधेयक 2021 के अनुसार अब वोटर आईडी और आधार को लिंक करने के लिए मैंडेटरी है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करवाना मैंडेटरी है। शेयर बाजार में 2 दिन की तेजी थमी। बीते दिन धातु और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव से स्थानीय शेयर बाजार में गिरावट आई और सेंसेक्स 124 अंक टूट गया। बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 2 दिन से जारी बढ़त के सिलसिले पर ब्रेक लगा और यह 123.52 अंक के नुकसान से 60,682 अंक पर आ गया। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 60,744.14 अंक के उच्चतर तक गया और 60,501.74 अंक के निचले स्तर तक गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36.95 अंक या 0.21% के नुकसान से 17,856.50 अंक पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 144.73 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अब व्हाट्सएप के जरिए भर पाएंगे एलआईसी की किस्त। भारत में मेटा के मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप के लाखों यूजर्स हैं, जो आपको अपने परिवार वालों या दोस्तों से जुड़े रहने में मदद करते हैं। लेकिन आज हम आपको एलआईसी चैटबॉट के बारे में बताएंगे, जिसे हाल ही में पेश किया गया है। बता दें कि एलआईसी व्हाट्सएप चैटबॉट एलआईसी पॉलिसी धारकों को कई सेवाएं देगा और वे अपनी जरूरत के हिसाब से उनका उपयोग कर सकते हैं। पॉलिसी धारक अपनी लोन पात्रता के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ ही आप रीपेमेंट कोटेशन भी देख सकते हैं और यहां तक भी अपनी पॉलिसी की स्थिति भी देख सकते हैं। चैटबॉट का उपयोग बोनस की जानकारी और यूलिप यूनिट स्टेटमेंट पाने के लिए किया जा सकता है। एलआईसी व्हाट्सएप चैटबॉट एलआईसी सेवाओं के लिंक, प्रीमियम देय तिथियों पर अपडेट, ऋण ब्याज देय तिथि अधिसूचना और भुगतान किए गए प्रीमियम पर प्रमाण पत्र भी देगा।
पटना से रांची पहुंचे महज 4 घंटे में। पटना से रांची जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब यात्री पटना से रांची महज 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आम बजट 2023 में रेल परियोजना के तहत बिहार को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस दिया गया है, जिसमें पटना से रांची, पटना से हावड़ा और वाराणसी से गया की दूरी काफी घट गई है। बता दें कि पटना से रांची की दूरी 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगी। इसी प्रकार पटना से हावड़ा और वाराणसी से गया की दूरी भी आधा आधा घंटा घट जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने से दोनों के बीच की दूरी घटकर लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। हालांकि अब तक रेलवे के द्वारा इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इन ट्रेनों का परिचालन कब से शुरू होगा। विपिन वर्मा, रंजीत सिंह, चंद्रादीप, रमन कुमार, राजकुमार ठाकुर, अजीमा फिरदौस, अनवर करीम खान, निवास कुमार, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, रवि कुमार राम, मृत्युंजय कुमार, सदुल्लाह पलवी, पुष्पेंद्र राय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार तेजाब हमले से पीड़ित लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आम लोगों को और सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।